नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पुलिस वालों और इनके कामकाज पर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, पर यह तस्वीर देखकर आपका दिल भर जाएगा और आपका नजरिया भी पुलिस को लेकर बदल जाएगा। खबर आई है राजस्थान से और राजस्थान पुलिस ने जो कारनामा किया है उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का लक्ष्य है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस ने कमर तोड़ मेहनत की है, और इस मेहनत को देखकर आप भी कह उठे, पुलिस तो ऐसी ही होनी चाहिए। दरअसल एक 4 साल के बच्चे को खोजने के लिए राजस्थान पुलिस ने पूरा का पूरा अमला काम पर लगा दिया है। बता दें कि मंडरेला में एक मजदूर का 4 साल का बेटा लापता हो गया था। उस मासूम बच्चे के खोने का डर एक माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। 4 साल का मासूम कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, और इस 4 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने 2 दिनों से अपने 150 जवानों को काम पर लगा रखा है, और इस सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरे की टीम भी लगातार काम कर रही है। बता दें कि बच्चे की खोजबीन के लिए DSP के नेतृत्व में 3 थाना प्रभारियों की टीम बनाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस काम में 100 ग्रामीणों को भी शामिल किया है। हालांकि बच्चे का अभी तक अता पता नहीं है, वो कहां गया किसी को नहीं मालूम, पर पुलिस की इस एक्टिवनेस को देखकर और काम को देखकर लोग खुश हैं। आपको बता दें कि लापता मासूम का नाम है काली, उसके पिता श्रवण और काली की माँ पूजा सूरतगढ़ की अनाज मंडी में काम किया करते थे। वहां से काम छूट गया तो वो 17 जनवरी को मंडरेला आ गए। यहां दोनों नंदरामपुरा ईंट भट्टे पर काम करने लगे, और 2 दिन बाद यानी 19 जनवरी को श्रवण की आंखों का तारा कहीं खो गया। जी हाँ, उनका बेटा काली पास के झुग्गी बस्ती से गायब हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम बनाई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़े लेवल पर पूरा महकमा उस बच्चे को ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि 19 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे काली एक महिला के पीछे पीछे जा रहा था। उस महिला ने बच्चे को डांटा कि वो वापस घर चला जाए, और महिला एक बाइक वाले के साथ चली गई। इसके बाद से ही बच्चा लापता है। पुलिस मासूम की तलाश में 2 दिन से नंदरामपुरा व उसके आसपास के 6 किलोमीटर एरिया में खोजबीन का काम कर रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। बच्चे के संबंध में पुलिस को सूचना देने के लिए 01592236700 या 9166333555 पर कॉल कर सकते हैं। इस मामले में SP मनीष त्रिपाठी ने कहा कि किसी के मासूम बेटे के गायब होने का दर्द पुलिस समझती है। हमारे लिए हर जान कीमती है। हमारे यही प्रयास है कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए इस तरह का सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि मंडरेला से ही जून 2009 में 2 बच्चे 5 साल का गौरव निर्वाण और 6 साल का रोहित भार्गव गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। इनकी तलाश में SOG भी लगाई गई थी। उस समय में चिड़ावा DSP सुरेश शर्मा पिलानी में CI थे। DSP शर्मा ने उस मामले का हवाला देते हुए इस केस में SP मनीष त्रिपाठी से बात की, जिन्होंने बच्चे की तलाश में ये ऑपरेशन चलाया हुआ है। अब देखना होगा कि श्रवण की आंखों का तारा कब तक मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।